अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी यानी कि रविवार को तीसरी बार दिल्ली के सीएम की शपथ ले रहे हैं और पहली खबर यह है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता पीएम मोदी को भी भेजा गया है। अब तक केजरीवाल की तरफ से विपक्ष के किसी बड़े नेता को न्योता नहीं गया है। हालांकि ये सियासी शिष्टाचार का तकाजा भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह पर सबकी नजर है। ये देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल के शपथ ग्रहण में किन्हें बुलाया जाता है और कौन बड़े चेहरे शामिल होते हैं। हम आपको बता दें, जो पहले खबर आ रही थी, क्योंकि दिल्ली वालों ने जो प्रचंड बहुमत से जिताया, 62 सीटों से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, उसके बाद कहा यह जा रहा था कि कोई भी विपक्षी नेता नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन अब प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है।